फैक्टर अफेक्टिंग एसिडिटी की स्ट्रेंथ। देखिए हम एसिड्स क्या होते हैं ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो फैक्टर कौन से हैं जिससे एसिडिक इफेक्ट होता है। फर्स्ट हम एसिडिक स्ट्रेंथ पर करें उसके लिए हमारे पास एक की पॉइंट बनेगा, और की पॉइंट क्या रहेगा आप अच्छे से जानते हैं कि कोई भी एसिड है जो एच ए एच प्लस और ए माइनस में स्टेबल होता है, तो ऑल दोज फैक्टर बाय विच ए माइनस गेन स्टेबिलिटी इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो की पॉइंट ये है, ऑल दोज फैक्टर लिखते जाइए जल्दी, ऑल दोज फैक्टर बाय विच स्टेबिलिटी ऑफ ए माइनस इंक्रीजेस इंक्रीजेस कॉमा इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आपके लिए जो फर्स्ट फैक्टर रहेगा यहां पर वो रहेगा इंडक्टिव फैक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में आपके लिए रहेगा एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस आई, यानी प्लस आई से उल्टा लिख दिया माइनस और यहां प्लस, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ए माइनस है, अगर कोई उसको और इलेक्ट्रॉन देगा तो उससे उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और उसका इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो न्यूट्रल की तरफ मूव करेगा, उसके उससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? तो आप एक एक करके प्लस आई और माइनस आई को बहुत आसानी से जानते हैं। आज अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले इसके एग्जाम्पल में, तो आप बताइए CaCCOOH और CF3COOH में कौन ज्यादा एसिडिक होगा? ठीक है, तो एसिडिक कौन ज्यादा होगा? कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। सही है? तो आप पहले कंपेयर करिए, मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूं वन और टू में, यहां वन और ये हम इस तरह से लिख देते हैं ए बी। सही है, कर लेंगे आप? इस जगह कौन ज्यादा है ए और बी में? बी, ये आपने कर लिया है। अब आगे जल्दी जल्दी आप करिए, देखिए आप कितने सही करते हैं। NO2COOH और फ्लोरीन NO2CH2COOH और F CH2COOH, ए और बी में कौन ज्यादा होगा? करते जाइए अपनी कॉपी में, देखते हैं आप कितने सही करते हैं। जल्दी से तो आपका आंसर बताइए कौन जाएगा यहां पर जल्दी से, ए और बी में कौन ज्यादा जाएगा? ए। ए और बी में कौन ज्यादा जाएगा इस जगह? ए, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा पास है, ज्यादा पास है तो इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई ज्यादा होगा। या सुनो, यहां COOH का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा रहेगा, ए और बी ए ज्यादा रहेगा। हाँ, यस और नो?
यस ए, यहां फ्लोरीन क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा पास है देखो, तो फिर बी बोलो, यस और नो, क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये कुछ और एग्जांपल है जिसमें आपको मेरे को एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, बताइए 6 नंबर में किसमें सबसे ज्यादा होगी? ए में, क्योंकि यहां पर प्लस आई इफेक्ट आ रहा है और इनवर्सली तो होता है प्लस आई के, तो ए बी सी, क्या ये सही है? आप जानते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल प्लस आई, 1 बाय प्लस आई, प्रोपोर्शनल 1 बाय प्लस आई, तो इसमें सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है तो ये सबसे कम होगा। यहां पर सबसे कम कौन होगा? सी, क्योंकि सबसे ज्यादा प्लस आई इसमें, फिर ए, फिर बी, बी सबसे ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि यहां पर सीधा भिड़ते ही आपको कौन सा मिल रहा है? 2 डिग्री, यहां कौन सा मिल रहा है? 1, देखा जाए तो ये अपने आप में 3 डिग्री हो गया, 1 2 3, 3 डिग्री, ये कार्बन कौन सा मिल जाएगा? 2 डिग्री, जबकि ये कार्बन कौन सा मिल जाएगा? 4 डिग्री, एक तरह से हर जगह से उसको प्लस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो डायरेक्ट ऐसे कार्बन से मिल रहा हुआ है जो अगर ग्रुप की बात करें तो 3 डिग्री ग्रुप है, ये आपके लिए 1 डिग्री है और ये अपने आप में क्या है? 2 डिग्री ग्रुप, पक्का? तो आप बात समझ सकते हैं कि यहां पर कौन होगा। CHO और NO2 में कौन ज्यादा माइनस आई लगाता है? NO2, तो माइनस आई के तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ, तो उस हिसाब से ए और बी में कौन ज्यादा है? ए। इस तरफ देख लीजिए, फ्लोरीन और CHO में किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है? CHO का, कंफर्म? तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा? बी, हाँ या ना? अब देखिए यहां पर धीरे धीरे हम जाते जा रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, पहले एक कार्बन आया फिर एक और आया, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। या सुनो, ये हमने करा है एक और इफेक्ट, अब आगे हम रेजोनेंस इफेक्ट देखेंगे। देखिए अगला जो फैक्टर हमारे लिए वर्क कर रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, वो है हमारे लिए इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस, इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस, इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, एक आर ओ माइनस है, आर ओ एच है, और एक है हमारे पास आर सी डबल ओ एच। आप जब आर ओ एच से एच निकालेंगे तो आर ओ माइनस और क्या बनेगा? एच प्लस, और यहां बनेगा आर सी डबल ओ माइनस और एच प्लस। समझ में आ रहा है क्या? यहां रेजोनेंस है या नहीं है? है। और रेजोनेंस की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे लिए प्रोपोर्शनल हो जाएगी, सीधी सीधी, कि अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ले रहा है यानी माइनस आर के तो प्रोपोर्शनल, और प्लस आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वो सारे फैक्टर जो इसमें से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं वो इसकी स्टेबिलिटी क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो यही हाल हमारे पास ये है, क्या यहाँ रेजोनेंस देखने को मिल रहा है? नो रेजोनेंस। क्या यहाँ देखने को मिल रहा है? यस, रेजोनेंस प्रेजेंट। तो जब रेजोनेंस आपको यहां दिख रहा है तो किस तरह का है पहले तो वो देखिए, क्या ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ आके ये यहां रेजोनेंस दिखेगा आपको? हाँ, तो यहां रेजोनेंस है, इसका मतलब अब बताइए कि कौन ज्यादा एसिडिक है? आर ओ एच और सी एस सी सी डबल ओ, आर सी डबल ओ एच में, आर सी डबल ओ एच मोर एसिडिक। तो ये एक छोटा सा फैक्टर हुआ, इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास फैक्टर हैं, अब कंपेयर करना है हमें, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। किस किस में कंपेयर करना है देखते हैं। सबसे पहले कंपेयर करना है फर्स्ट H2O C2H5OH और CHCCOOH, कौन ज्यादा एसिडिक होगा? यहां कौन सा इफेक्ट दिखाई देगा आपको? प्लस आई। यहां कौन सा होगा? माइनस आर, बोलो यस।
तो माइनस आर, और यहाँ कोई सा भी इफेक्ट नहीं है, तो क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी? ए बी सी में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? सी, फिर कौन होगा? बी या ए? ए, फिर कौन होगा? बी, क्योंकि यहाँ प्लस आई है, प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा? कम कर देगा इस वाटर के कंपेयर में, हाइड्रोजन के कंपेयर में सी टू एच फाइव क्या आएगा? एच को किससे रिप्लेस किया आपने? सी टू एच फाइव से, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा? वो कम कर देगा, जबकि वहां पर माइनस आएगा और वो रेजोनेंस में है। समझ में आ रही है बात? तो हाँ बोलो बेटा, इस जगह एसिडिक स्ट्रेंथ, अरे यार उल्टा लिख दिया यहां पर, यहां पर इस तरह से था, बिल्कुल सही है। वो सारे फैक्टर जो एसिडिक इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करते हैं, वो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। अब क्लियर है कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट, तो यहां सबसे ज्यादा कौन होगा? सी, फिर ए और फिर बी। या सुनो, क्लियर है कॉन्सेप्ट? दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं हम आपके साथ ही, कि अगर मैंने CH3COOH, HCOOH और बेंजोइक एसिड तीनों ले लिया, तो कैसे कंपेयर करेंगे? देखिए, यहां हमारे पास बहुत आसानी से कह सकते हैं हम ए बी सी में, क्या कह सकते हैं? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? कुछ आइडिया? यहां पर क्या देखा जाएगा? एक तरह से प्लस आई इसके कंपेयर में, और यहां देखा जा रहा है एक तरह से रेजोनेंस है, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से सुनिएगा। अब इन सबके वो बनाइए एनायन, सी एस सी सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, यहां बनाइए एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, और यहां आप बनाइए एनायन सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस। समझ में आ रही है बात? तो ये वाला रेजोनेंस तो इफेक्टिव है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहां जा रहा है? ऑक्सीजन पे। लेकिन क्या ये रेजोनेंस इतना इफेक्टिव है? नहीं है, रेजोनेंस है लेकिन इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं है। तो हो ये रहा है मेरे लिए कि ए और बी में अगर मैं इनके पीके की वैल्यू देखता हूं, तो पीके की वैल्यू सबसे कम बेंजोइक एसिड के लिए, बेंजोइक एसिड के लिए पीके की वैल्यू 4.2 है, फॉर्मिक एसिड के लिए सबसे कम है पीके की वैल्यू 3.75, और पीके की वैल्यू यहां पर क्या जाएगी? लगभग सी एस सी सी डबल ओ एच के लिए 4.75। तो पीके की वैल्यू भी आपको वो हेल्प करेगी। पीके क्या होता है, मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूं कि पीके सबसे कम किसके लिए? इसके लिए। तो कहीं ना कहीं यहां पर डोमिनेट कर रहा है, और इसी कारण बी सबसे ज्यादा एसिडिक है। क्या चीज डोमिनेट कर रहा है? कि इसमें प्लस आई नहीं है, इसमें प्लस आई है, सी एस सी सी का प्लस आई इफेक्ट है, और दूसरा रेजोनेंस नहीं है ये वाला। यहां पर ये रेजोनेंस भी है, थोड़ा सा ये भी है, लेकिन ये इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं है। इफेक्टिव रेजोनेंस वाला पार्ट सब में क्या है? समान है। अब समझिए, रेजोनेंस वाला, इफेक्टिव रेजोनेंस वाला पार्ट सब में क्या है? समान है। तो यहां पर प्लस आई इफेक्ट है, इसका प्लस आई इफेक्ट नहीं है इतना ज्यादा। तो कुल मिला के बी सबसे ज्यादा हो रहा है, और फिर उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद आएगा आपके पास सी, और उसके बाद आएगा आपका ए। ये डाटाबेस भी है, क्योंकि आप ये कहेंगे सर कि ये रेजोनेंस हो तो रहा है इसका, ठीक है, सपोर्ट कर रहा है उल्टा, लेकिन ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये डिस सपोर्ट कर रहा है। आपको बताऊं मैं कैसे डिस सपोर्ट कर रहा है? ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, तो ये इस ऑक्सीजन के, समझना, ये इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या ला देगा? सिंगल बॉन्ड। अगर इस ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्ड ला देगा, समझना, तो ये इसके साथ रेजोनेंस कर पाएगा क्या? नहीं। एक बार और बोलता हूं, ये यहां जाएगा, तो ये यहां जाने से इस ऑक्सीजन पे क्या लाएगा? क्या लाएगा यहां पर? नेगेटिव चार्ज। तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव और ये ऑक्सीजन नेगेटिव क्या करेंगे? रेजोनेंस कर पाएंगे क्या? नहीं, पहली चीज। तो फिर ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे क्या होनी चाहिए थी? कम, क्योंकि ये इफेक्टिव रेजोनेंस को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। लेकिन साथ के साथ ये क्या करेगा? क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ये वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉल का भी काम करेगा। तो एक फैक्टर उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, और एक फैक्टर उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर देगा? कम कर देगा। तो ये नेग्लिजिबल हो गया, यानी कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ
इससे तो क्या हो जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगी, इसमें प्लस आई फैक्ट डोमिनेट कर जाएगा, जिससे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो नंबर वन ये, नंबर टू ये, नंबर ये थ्री। तो यहां आप एग्जैक्ट एक ही फैक्टर से कंपेयर नहीं कर सकते, आपको डाटा की जरूरत ही पड़ेगी। तो बताइए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा इन तीनों में, फॉर्मिक, फिर बेंजोइक और फिर उसके बाद एसिटिक एसिड। समझ में आ गई बात? तो ये आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा कि ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, ज्यादा खास फर्क नहीं आ रहा है, और इसीलिए मैंने डाटास का यहां पर यूज किया है। एक और चीज, अगर किसी ने मुझसे पूछा कि सर हम यहां कंपेयर करना चाहते हैं, कहां करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल ये डाटाबेस ही होता है ये कंपेरिजन। हमने लिया एच सी डबल ओ एच, सी एच सी सी डबल ओ एच, सी एच टू सी एल सी डबल ओ एच, सी एच सी एल टू सी डबल ओ एच, या यहां पर सी एल टू, बस इतना सा। इसकी पीके की वैल्यू अभी हाल हमने लिखी है 3.75, सी एच थ्री की 4.75, इसकी क्या वैल्यू है सी एच सी एल टू की 1.35। तो अब आप खुद ही देख लीजिए कि क्लोरीन आने के साथ ही क्या हो गया, यहां कोई इफेक्ट नहीं था, यहां माइनस आई है, यहां प्लस आई है, नो इफेक्ट। नॉर्मल जो रेजोनेंस वाला इफेक्ट है वो तो सब में सेम ही है, तो नो इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा ए बी सी में, सी फिर ए और फिर बी, माइनस आई है से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, और प्लस आई से क्या होगी, कम होगी, खत्म बात। बोलो हाँ या ना, बी वाले में कुछ भी नहीं है तो वो बीच में रह जाएगा, बी वाले में कुछ भी नहीं है तो नहीं, ए वाले में कुछ भी नहीं है, मैंने प्लस आई गलत जगह लिख दिया, हाँ यार गलत लिख दिया, सही है। तो आपके लिए ए वाले में कुछ भी नहीं है तो वो बीच में रह जाएगा। बोलो यस और ना, अब क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? नेक्स्ट एक और एग्जांपल, फोर्थ नंबर का, बहुत ज्यादा टफ नहीं है आपके लिए। अगर हम यहां पर सी एच थ्री सी डबल ओ एच, सी एच टू सी एल सी डबल ओ एच और सी एच सी एल थ्री सी डबल ओ एच, एक मिनट, सी एच सी एल टू सी डबल ओ एच, इसमें कंपेयर करेंगे तो क्या यहां पर कुछ क्या, एक तरह से प्लस आई माइनस आई बिग माइनस आई, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी ए बी सी में, जल्दी से बताइए, कुछ कुछ समझ में आ रहा है पक्का? बेटा यहां पर माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा है दो सीएल की वजह से, यहां एक ही सीएल है, यहां सीएल ही नहीं है, बाकी तो सब काम सेम है, सब कुछ रेजोनेंस इफेक्ट सेम है, या सुनो सबसे ज्यादा खराब एग्जाम्पल होते हैं जहां डेटाबेस ही हमारी मदद करता है। एक और एग्जाम्पल बहुत खराब है फिफ्थ नंबर का जो मैं दे रहा हूं, फिर ये है, और एक ये है हमारे लिए, देखिए इनमें कंपेयर करना है ए और बी में, क्या करेंगे आप, नीचे आएंगे सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस ओ एच और सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, ये वाला फैक्टर तो सब में सेम है पक्का, इधर देखें एक मिनट फिर लिखना। लेकिन इसमें एक और फैक्टर है, यहां एक लोन पेयर है जो इसको इस तरह से कर देगा और से क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, तो क्या ये रेजोनेंस हो पाएगा, नहीं। तो ये वाला जो बॉन्ड है
ये कौन सा इफेक्ट दे रहा है एक तरह से, प्लस आर इफेक्ट, जो एसिडी की स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, कम करेगा। माइनस आर का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचना और प्लस आर का मतलब इलेक्ट्रॉन देना। ये ऑक्सीजन रेजोनेंस के थ्रू लोन पेयर दे रहा है और पहले ही नेगेटिव चार्ज है, तो एक तरह से यहां पर क्या देखने को मिलेगा, प्लस आर इफेक्ट। बाकी सारा फैक्टर तो सेम है, तो ए और बी में कौन ज्यादा एसिडिक होगा, बी। इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको मैंने माइनस आर भी समझा दिया, प्लस आर भी समझा दिया, और ये सब कुछ हमने कर लिया है, सही है। लिखे इसको, एक और हमारे लिए फैक्टर वर्क कर रहा है और वो है रेजोनेंस के अंदर ही हम बात करते हैं, क्या कहते हैं, हम बात कर रहे हैं प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट। नेक्स्ट इफेक्ट फोर्थ नंबर का यही जा रहा है हमारा, फैक्टर अफेक्टिंग में प्लस आई माइनस आई आर रेजोनेंस, और एक उसके बाद थर्ड नंबर का हमारे लिए फैक्टर आएगा इफेक्ट ऑफ मेजो मैरिक, यानी प्लस एम माइनस एम। देखो बेंजीन के अंदर जब भी हम बात करेंगे प्लस एम माइनस एम, बहुत इजी वे में हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे पास बेंजोइक एसिड है और ये हमारे पास है NO2, मैंने यहां लगा दिया, इनमें कंपेयर करना है। तो पहले तो मैं बता दूं यहां पर आपके लिए एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल माइनस एम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस एम, क्या मैंने सही लिखा है। वो सारे फैक्टर जिससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉल हो जाए वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और जहां कम हो जाए वहां पर प्लस एम, जहां कम कर देते हैं उल्टा दे देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पहले ही है और दे देते हैं, तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देंगे, कम। समझ में आ रही है बात, एक बार और समझाना है, नहीं तो बताइए यहां पर क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा इसका, सी डबल बोन ओ माइनस, बनने वाले एनायन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। ये एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, क्लियर है, हाँ या ना। तो दोनों में कॉन्जुगेट बेस में अंतर दिख रहा है आपको, यहां NO2 ग्रुप अपने आप में क्या करेगा, माइनस एम है या प्लस एम है, माइनस एम। तो माइनस एम अपने आप में एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, बहुत बढ़ा देगा, और इतनी बढ़ा देगा कि आपके लिए ये काफी एसिडिक हो जाएगा। तो बताइए कि कौन ज्यादा एसिडिक है ए और बी में, एसिडिक स्ट्रेंथ कौन ज्यादा होगी, आप खुद भी जानते हैं बी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि माइनस एम ग्रुप आ चुका है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल बनेंगे, चलिए लिखना शुरू करो, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखिए कुछ और एग्जाम्पल है, बहुत इजी है, आपको यहां पर फिनोल दिखाई दे रहा है, फिर NO2 आया, फिर बहुत सारे NO2 आ गए जिसको हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं। पिक्रिक एसिड यानी कि क्या बोलोगे, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल, ट्राई नाइट्रो फिनोल, ट्राई नाइट्रो फिनोल, TNP। ट्राई नाइट्रो फिनोल हमारे लिए काफी एसिडिक है क्योंकि तीन तीन NO2 है और NO2 ग्रुप अपने आप में क्या है, माइनस एम। तो आप देखिए माइनस एम माइनस एम माइनस एम, यस और नो, तो माइनस एम माइनस एम तीन बार हमारे पास होगा, तो ये इतना ज्यादा एसिडिक है कि ये आपको लग रहा होगा लेकिन ये फॉर्मिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक हो गया, यानी अभी तक हम जितने भी नॉर्मल कंपाउंड पढ़ रहे हैं उन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया क्योंकि माइनस एम वो भी इतना ज्यादा तीन। तो ये हमारे लिए TNP हो गया, ट्राई नाइट्रो फिनोल, जो कि बहुत ज्यादा एसिडिक है। तो ए से ज्यादा बी, बी से ज्यादा सी, क्योंकि इसमें आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है, आपको
जल्दी बताओ इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, माइनस एम। अच्छा यहां क्या दिखाई दे रहा है इस जगह, माइनस एम, ये भी माइनस एम, और ये क्या हो रहा है एक तरह से प्लस एम। माइनस एम और प्लस एम में तो पता लगा लेते हो, तो आप ही मेरे को बताओ कि यहां माइनस एम और यहां पर क्या दिख रहा है प्लस एम, और यहां क्या इफेक्ट दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं। तो सबसे कम एसिडिक कौन होगा, डी। OH अपने आप में प्लस एम है क्यों, क्योंकि यहां पर लोन पेयर आता है वो लोएजोनेंस में आ जाता है, यानी वो अपना रेजोनेंस उल्टा प्लस दे रहा है और ये क्या कर रहे हैं छीन रहे हैं, तो अंतर हो रहा है। तो सबसे ज्यादा कौन होगा, सबसे कम कौन होगा, डी, फिर उसके बाद ए, फिर बी, और सबसे ज्यादा सी। क्यों सी सबसे ज्यादा है, क्योंकि सी का माइनस एम सबसे ज्यादा है। आ रही है बात समझ में, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि सबसे ज्यादा किस में, ये भी हमें आइडिया लगाना पड़ेगा। अच्छा यहां देखो ए और बी में रेजोनेंस इफेक्ट दोनों में बराबर है, बोलो यस और नो। लेकिन क्या हो रहा है कि इसके अंदर आपके लिए जो एनायन बनेगा वो एक और रेजोनेंस रख रहा है, इसके साथ तो रख ही रहा है, और इक्विवेलेंट रेजोनेंस जो कि ओ माइनस पे जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वो रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेटिंग करेगा, यानी कि मोर रेजोनेंस है, मोर इफेक्टिव रेजोनेंस। तो यहां पर कौन ज्यादा होगा ए और बी में, बी। बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल, कुछ समझ में आई बात। एक और फैक्टर आपका इंतजार कर रहा है, वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या नाम है आपके पास, हाइपर कॉन्जुगेशन। नंबर कौन सा नंबर का हो जाएगा, फोर्थ, और रहेगा इफेक्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, इफेक्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन हम जानते हैं क्या होता है, देखिए मैं आपको बताऊं, पहले तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, CH3, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन यहां पर होगा क्या, आप भी जानते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग एच निकल जाता है, निकल जाता है या नहीं निकलता। तो जब ये एच निकल जाता है तो आपके पास क्या बनता है, CH2-, समझ में आ रहा है, और H प्लस कुछ देर के लिए अलग है, और बेसिक मीडियम में ये बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या करता है, ऑर्थो और पेरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो ये भी वैसे ही काम करता है जैसे प्लस एम करता है, लेकिन उससे कम इफेक्टिव रहेगा। क्यों उससे कम रहेगा, क्योंकि ये टूटा नहीं है, पार्शियली टूटा है, करोड़ों मॉलिक्यूल, मतलब पार्शियली का मतलब बहुत ज्यादा इफेक्टिवली ब्रेक नहीं है। अब इसको ऐसे समझ ली, तो क्या ये इफेक्टिव होगा इस जगह, नहीं, बहुत कम मॉलिक्यूल में ये देखने को मिलता है एज कंपेयर टू दिस। तो कहने का मतलब है बहुत कम मॉलिक्यूल, गलत बोल रहा हूँ मैं, यहाँ ये बोलना पड़ेगा कि इसका इफेक्टिवनेस कम रहता है एज कम्पेयर टू रेजोनेंस। तो ये एक तरह से ये माइनस एच आपके पास आ गया, तो ये माइनस एच हो गया, और अगर यही चीज Cl3 के साथ हो जाती, CCl3 और Cl- आ जाता, तो आपके पास क्या हो जाता एक तरह से CCl2, तो ये आपके लिए क्या हो जाता, यहाँ पर प्लस आ जाता और Cl-, तो ये इफेक्ट क्या कहलाता आपके लिए, ये तो कहलाता प्लस एच और ये कहलाता माइनस एच, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है बेंजीन में, प्लस एम और माइनस एम के कंपेयर में ये कम इफेक्टिव होते हैं, ये बात क्लियर है, क्योंकि ये टूट के बना रहे हैं वो परमानेंट होते हैं, ये बात समझना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अब आपके लिए क्या होगी, आप ही बताइए किसके प्रोपोर्शनल होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ में आपके लिए हो जाएगा माइनस एच के प्रोपोर्शनल होगा और प्लस एच के इनवर्सली होगा। हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव से ज्यादा डोमिनेट करता है और रेजोनेंस से कम रहता है। तो मैं आपसे सिंपल सा एग्जांपल कर रहा हूं वापस इससे रिलेटेड, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, लिखे मेरे साथ, CH3
CH3 CH NO2, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चा इसको प्लस आई भी लिख सकता है, प्लस और क्या लिख सकता है यहां पर, प्लस एच भी लिख सकता है, लेकिन क्योंकि प्लस एच लिख रहा है तो प्लस आई का इतना का कोई खास रोल नहीं रहता, क्योंकि आई तो वैसे ही कम डोमिनेट करता है। इसके साथ क्या लिखेगा NO2 के साथ, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, यहां क्या लिखेगा NO2 के साथ, माइनस एम, और यहां कोई इफेक्ट नहीं है, बाकी सारे तो कॉमन है, नो एक्स्ट्रा इफेक्ट। तो ए बी सी में आपको क्या लग रहा है सबसे ज्यादा एसिडी कौन होगा, जल्दी से बताइए, सी और उसके बाद ए फिर बी, क्योंकि प्लस एम माइनस एम क्या कर देंगे, प्लस एच या माइनस आई, प्लस आई क्या करेगा, कम करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये एग्जांपल क्लियर है कॉन्सेप्ट्स, बोलो हाँ। एक और एग्जांपल करिए आप, कौन ज्यादा एसिडिक होगा, यहां क्या देखने को मिलेगा, प्लस एच एंड प्लस आई, यहां क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ प्लस आई, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन ऑर्थो और पेरा पे होता है, ये उसकी कौन सी पोजीशन कहलाएगी, मेटा। तो मेटा पोजीशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता, लिखो ये, और कौन ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि प्लस एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, कम करेगा, लिख लें इसको। देखिए एक और इफेक्ट है, कौन से नंबर का इफेक्ट होगा, फिफ्थ नंबर का, और उस इफेक्ट का नाम है ऑर्थो इफेक्ट। इसको हम SIR इफेक्ट भी बोलते हैं, SIR का मतलब स्टेरिक इनहिबिशंस इन रेजोनेंस। कैसे है ये वर्क करता है पहले ये समझ लीजिए, और ये इफेक्ट होता क्या है, दोनों चीजें। तो पहले तो डेफिनेशंस लिखिए, ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट, बेंजोइक एसिड आर मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये हमारे लिए ऑर्थो इफेक्ट। तो ये हमारे पास ऑर्थो इफेक्ट है, मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, यानी अगर आप इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो कौन ज्यादा एसिडिक आएगा, ये, जबकि इसमें क्या इफेक्ट दिख रहा है, प्लस आई इफेक्ट भी दिख रहा है पक्का, फिर भी ऑर्थो इफेक्ट डोमिनेट है और हमने वो लिया है। तो पहली बार हमारे को कब पता चला ऑर्थो इफेक्ट, हम सोच रहे थे प्लस आई है तो ये कम एसिडिक होना चाहिए, प्लस आई है प्लस एच है तो ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल डाटा ने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो हमने इस इफेक्ट को बनाया और इसका नाम रख दिया ऑर्थो इफेक्ट। फिर रीजन क्या होगा, रीजन लिखिए, रीजन आप खुद देखिए कि आपके पास ये बेंजोइक एसिड है COOH, C डबल बॉन्ड O, O माइनस, सही है।
तो ये जो रेजोनेंस आ रहा है, ये वाला रेजोनेंस, ऊपर वाला रेजोनेंस तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला रेजोनेंस कौन सा है, प्लस आर या माइनस आर? प्लस आर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, ले खींच ही नहीं रहा, समझ में आ रहा है? तो इससे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी, पक्का। बेंजोइक एसिड से एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, जिसके अंदर ये रेजोनेंस ना हो पाए, तो वो है ये CH3, सॉरी COOH, और यहां पर है CH3। इस रिपल्शन की वजह से ये कुछ इस तरह से हो जाता है, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन। ये इसीलिए स्टेरिक रिपल्शन आ रहा है यहां पर, और ये स्टेरिक रिपल्शन की वजह से ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा COOH, और ये नीचे चला जाएगा CH3, आउट ऑफ प्लेन। अब आउट ऑफ प्लेन जाएगा तो बताइए यहां पर जो इसका एनायन बनेगा कैसा बनेगा, इसका एनायन सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, और क्या हो जाएगा CH3। क्या यहां पर अब प्लस एम प्लस आर इफेक्ट हो पाएगा, क्या ये इस तरफ जा पाएगा? नहीं, क्योंकि आउट ऑफ प्लेन हो गया, रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। तो नो प्लस आई, नो प्लस आर इफेक्ट। और जब यहां पर प्लस आर इफेक्ट होगा ही नहीं, तो ये सो इट इज मोर एसिडिक। पक्का? क्या बेटा ये ऊपर क्यों गया, क्या बेटा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आउट ऑफ प्लेन हो गया, नो रेजोनेंस, बिकॉज नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। अब क्लियर है? तो ये इस वजह से ऐसा देखने को आपके को यहां मिला। तो क्या आपको ऑर्थो इफेक्ट समझ में आ गया अच्छे से? तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से हमारे को ये देखने को मिल रहा है। अब अगर आप इस पे एग्जाम्पल करना चाहते हैं तो बहुत इजी है, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। COOH, COOH, CH3, COOH, CH3, COOH, CH3। ये चारों एग्जाम्पल हैं आपके, करिए इसके अंदर, आप ही बताइए इसके अंदर क्या इफेक्ट है। मैं मान लेता हूं कोई नो एक्स्ट्रा इफेक्ट। यहां क्या बोलोगे आप, ऑर्थो इफेक्ट? यहां क्या बोलोगे आप, प्लस आई? मैं प्लस एच क्यों नहीं बोल रहा हूं यहां, क्योंकि ये कौन सी पोजीशन है, मेटा पोजीशन पर है। पक्का? प्लस एच कहां लगता है, ऑर्थो एंड पेरा पे। यहां क्या लिखूंगा मैं, प्लस एच। तो अब आप ही बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कहां होगी, क्या आंसर आएगा इसका? सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कौन होगा ए बी सी डी में, बोलिए जल्दी से। ऑर्थो इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कौन होगा, बी, फिर ए, बिल्कुल सही कहा, फिर सी, क्योंकि प्लस एच एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है और डोमिनेट करता है इंडक्टिव से, समझ में आ रहा है? तो ये बात ध्यान रखना, फिर आंसर जाएगा डी, हाइपर कंजुगेशन से एसिडिक स्ट्रेंथ यहां पर प्लस एच
से एसिडी की स्ट्रेंथ कम होती है, समझ में आ रही है? तो आपका आंसर क्या जाएगा, बी ए सी डी, डिक्रीजिंग ऑर्डर। एक और एग्जांपल करिए आप। हाँ या ना, क्लियर है कॉन्सेप्ट? OH CH3, कौन ज्यादा एसिडिक होगा ए बी सी डी में? सबसे ज्यादा कौन होगा, बी, फिर ए, फिर सी और फिर डी। मैंने कोई नया नहीं करा, बस सी डबल ओ एच की जगह ओ एच कर दिया, ऐसा ही आपको लगा? ऑर्थो इफेक्ट बेंजोइक एसिड में लगता है, फिनोल में नहीं। ऑर्थो इफेक्ट इज एप्लीकेबल इन बेंजोइक एसिड, नॉट इन फिनोल। अब फिर सोचें कि ये चीज हमारे लिए, तो ए में अब हमारे पास कौन सा इफेक्ट लगेगा, जल्दी से बोलिए। प्लस एच, प्लस आई, प्लस एच के अलावा प्लस आई भी लगेगा, और यहां इतना दूर प्लस आई इतना नहीं लगेगा, सिर्फ प्लस एच। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, ये तो गलत हो गया। आप आपका सही आंसर क्या रहेगा, ए, फिर ए सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर मेरे हिसाब से सी, फिर डी और फिर क्योंकि प्लस एच और प्लस आई एसिडी की स्ट्रेंथ को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। आ रही है बात समझ में? आप खुद ही सोचिए कि यहां पर ओ माइनस है, क्या रिपल्शन होगा क्या इतना ज्यादा? नहीं, सेम प्लेन में रहेंगे। वो तो बल्की ग्रुप होने की वजह से, सी डबल ओ एच क्या एक तरह से बल्की ग्रुप था। बल्की ग्रुप, यहां कोई बल्कीनेस दिख रही है आपको? नहीं। तो ये पॉइंट्स आप लिखें, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लिखते जाएं। एक और है हमारे पास इफेक्ट, और वो है 6 नंबर में, एरोमेटिसिटी या जनरेट एरोमेटिसिटी, जनरेट एरोमेटिसिटी। पक्का इसको देखिएगा। आप ये देखिए, बहुत प्यारा आपके पास एग्जाम्पल है। समझ रहे हैं? और एक है ये वाला। आप ही बताइए कि जैसे ही एच निकलेगा यहां माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा और यहां माइनस आएगा, समझ में आ रहा है? तो ये कंपाउंड क्या है बना, एरोमेटिक। ये क्या बनेगा आपके लिए, नॉन एरोमेटिक, और ये क्या बन जाएगा आपके पास, एंटी एरोमेटिक। अलग अलग चीज अलग अलग बन रही है। तो यहां पर आप ही बताइए कौन ज्यादा एसिडिक होगा। अगर मुझे कहा जाए कंपेयर करिए एसिडिक स्ट्रेंथ को, तो मैं एसिडिक स्ट्रेंथ में यहां पर आंसर कैसे सोचता हूं,
करना शुरू करें। तो हम वी नो दैट स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा, एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक और फिर एंटी एरोमेटिक। तो अब आप ही बताइए यहां सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये फिर ये फिर ये। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसी बात पे डिफाइन की जाती है कि H माइनस निकलने के बाद ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर उसके बाद ये होगा नॉर्मल, और फिर उसके बाद ये होगा। अब रेजोनेंस मत देख लेना यहां पर कि साहब यहां नेगेटिव आयन आएगा रेजोनेंस में आएगा, अरे वो रेजोनेंस के अलावा एंटी एरोमेटिसिटी में भी है, और एंटी एरोमेटिसिटी की वजह से कंपाउंड हाईली 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 अनस्टेबल होंगे। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रही है बात। तो ये हमारे पास एक और फैक्टर आया, तो इस पे अगर हमसे पूछा जाए तो हम ऐसे ही सोचेंगे कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। ए बी बताइए दोनों क्वेश्चन के आंसर क्या रहेंगे। फर्स्ट सेकंड एक और लिख लीजिएगा, कौन ज्यादा एसिडिक है ए और बी में, जल्दी से बताएं कौन ज्यादा एसिडिक है। देखिए यहां माइनस आएगा और यहां माइनस आएगा, ये एंटी एरोमेटिसिटिक बनेगा, माइनस आती क्योंकि एच निकलने के बाद कार्बन पे क्या आएगा चार्ज, माइनस, एंटी एरोमेटिक बनेगा। बताइए कौन ज्यादा एसिडिक है, बी। तो आपका आंसर होगा बी इज मोर एसिडिक। यहां सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, सी, फिर उसके बाद ए और सबसे कम बी, क्योंकि यहां माइनस आने के बाद क्या बनेगा, एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक, एरोमेटिक खत्म बात, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। यहां कुछ भी नहीं, यहां रेजोनेंस तो होगा, एंटी एरोमेटिक बन रहा है क्या यहां, नहीं, रेजोनेंस हो रहा है। तो नॉर्मल रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी में कौन जीतेगा, एरोमेटिसिटी। यहां देखिए यहां क्या चार्ज आएगा एच निकलने के बाद, प्लस या माइनस, जोर से बोलो, यहां माइनस, ये अच्छा दोनों एक ही दे दिए, गलत। अब बताइए यहां माइनस आते क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक, और ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक रेजोनेंस रहेगा नॉर्मल। तो ए और बी में कौन ज्यादा हो जाएगा, बी। सबसे ज्यादा एरोमेटिसिटी फिर रेजोनेंस, ठीक है, कोई डाउट, बोलो यस और नो, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो ये हमारे पास छोटे छोटे पॉइंट्स आ रहे हैं, आपने ये कर लिया, रेजोनेंस एरोमेटिसिटी ये सब का ध्यान रखेंगे। कुछ और एग्जाम्पल हैं जो हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ को बता रहे हैं, बताने हमें
ध्यान से सुनिएगा, कंपेयर करना है हमें यहाँ पर इन दोनों में कि कौन ज्यादा एसिडिक है कौन नहीं है। तो मान लीजिए, मान क्या लीजिए, जब भी हम एसिडिक स्ट्रेंथ को निकालते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है सबसे पहले कि कॉन्जुगेट एनायन बनाओ, यही आता है ना। हमने इसका कॉन्जुगेट एनायन बना लिया, यहाँ पर क्या बना लिया, कॉन्जुगेट एनायन। जैसे ही हमने यहाँ पर एनायन बनाया, क्या ये रेजोनेंस में है या नहीं है, है ना, ये पूरा थ्रू आउट द मॉलिक्यूल रेजोनेंस में है या सिर्फ एक ही पार्ट में रहेगा, नहीं सिर्फ एक ही पार्ट में रहेगा, क्यों, क्योंकि बाकी की बेंजीन रिंग क्या है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसे आप SIR इफेक्ट भी बोल सकते हो, आउट ऑफ प्लेन है, समझ में आ रहा है। तो यहां हमारे पास क्या रहेगा, इन अबाउ केस लिखते जाएं, इन अबाउ केस कॉन्जुगेट बेस, जैसे आप कॉन्जुगेट बेस की जगह एनायन भी बना लिख सकते हैं, कॉन्जुगेट बेस एनायन कैन शो रेजोनेंस बाय ओनली वन रिंग, ओनली वन फिनाइल रिंग एट वन टाइम, बिकॉज, भाई क्यों, रीजन वो भी होना चाहिए, बिकॉज ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस रिंग रिंग रिपल्शंस, रिंग रिंग रिपल्शंस, इट इज नॉन प्लेनर कंपाउंड, इट इज नॉन प्लेनर कंपाउंड, पक्का। तो यहां पर इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, रिंग रिंग रिपल्शन या SIR, ये हमारे पास हो गया। जबकि यहां पर इन अबाउ कंपाउंड, इसके अंदर लिख सकते हैं इन अबाउ कंपाउंड, ऑल रिंग्स आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन एंड शो मोर रेजोनेंस एंड स्टेबल एनायन, ये हमारे पास इसके लिए हो गया। यानी यहां जो एनायन बनेगा वो सभी जगह क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट होगा, आ रही है बात समझ में, क्योंकि हर रिंग दो दो बॉन्ड से अटैच्ड है, टू सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड है, तो वो क्या आउट ऑफ प्लेन जाएगी क्या यहां पर, नहीं ना, तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा, आंसर होगा ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, ये ज्यादा एसिडिक होगा, बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट्स, बहुत आसान है। अब यहां देखो, यहां OH 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 है, क्या OH पे पहला पॉइंट, क्या ऑर्थो इफेक्ट OH पे लगता है, नहीं पक्का, ऑर्थो इफेक्ट का मतलब ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट बेंजोइक एसिड आर मोर एसिडिक, ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फिनोल, ऑर्थो इफेक्ट नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल ऑन फिनोल, पहला। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास समझ में आ रहा है, इन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एच बॉन्डिंग प्रेजेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, सो इट नॉट इजीली इट सो हाइड्रोजन नॉट इजीली रिमूव एंड बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस स्लाइटली, डिक्रीजेस स्लाइटली डिक्रीजेस,
यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, यस और नो? तो अब आप मेरे को बताइए कि यहां पर OH आपके पास आ रहा है, क्या आ रहा है? OH आ रहा है, ये कौन सा? कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ रेजोनेंस आएगा। यहां जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो नेगेटिव चार्ज बनेगा, वो कॉन्जुगेट नेगेटिव चार्ज क्या होगा? रेजोनेंस में जाएगा। लेकिन यहां पर उसके अलावा क्या लगेगा, ये क्या इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई। जबकि यहां क्या लगाई देगा, दिखाई देगा आपको? माइनस आई माइनस एम, ऑर्थो पे माइनस एम भी लगता है, माइनस आई माइनस एम, ये सब आपको देखने को मिलेंगे यहां पर। साथ ही आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दिखेगा, एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग जो देखने को मिलेगा आपको, ये एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगा आपके, इस जगह कम कर देगा स्लाइटली। जबकि यहां क्या दिखाई देगा आपको? माइनस आई माइनस एम, बहुत दूर है, माइनस एम बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है या माइनस एम इफेक्ट होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होती है? ज्यादा। बात क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ये दोनों ही काफी अच्छे एग्जाम्पल है जो बच्चे गलती करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल से हम सब साथ रहेंगे, फिर एक साथ लिख लेना आप, पहले समझ लो। थर्ड एग्जाम्पल इसके अंदर क्या होगा देखिएगा, थर्ड एग्जाम्पल है मैलिक एसिड। सही है, मैलिक एसिड। अगर मैलिक एसिड के बारे में मैं आपके साथ कहूंगा तो यहां देखिए ध्यान से, ये OH है और यहां पर हाइड्रोजन निकलने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है? तो ये हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होगी स्ट्रॉन्ग, ये इस हाइड्रोजन को निकालने में सपोर्ट करेगी, जबकि पहले क्या कर रहा था? डिस सपोर्ट, यानी अपोज कर रही थी, समझ में आ रहा है? जबकि यहां क्या करेगी? सपोर्ट। तो यहां हमारे पास क्या रहेगा, इन मैलिक एसिड एसिड आफ्टर रिमूव हाइड्रोजन, यानी कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट, बस बाकी तो आप खुद ही समझ जाएंगे। सो इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड, सो इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड, बस आप लिख सकते इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड। जबकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी दूर नहीं बनेगी। कोई डाउट? अच्छे समझ में आ गया? हाँ, बी क्या बेटा? प्लेन में, ये प्लेन में है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेन तो है ही, ये पूरा मॉलिक्यूल ये प्लेन में है, ये प्लेन में है, दोनों ही प्लेन में, बाकी सारे फैक्टर तो सेम है। एक क्या फॉर्म है इसकी? सिस, और ये कौन सी फॉर्म है? ट्रांस। तो ट्रांस को हम फ्यूमेरिक बोलते हैं, मैंने ऐसे याद रख रखा है, फीमेल अपोजिट डायरेक्शन में सोचती है, मेल सेम डायरेक्शन में सोचते हैं, सभी मेल, तो याद करने के लिए यार कुछ भी कर लो। तो मैलिक एसिड सेम डायरेक्शन में, फ्यूमेरिक अपोजिट, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है ना कई बार। कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पूरा लिखेंगे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट एंड दिस 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 दिस, इस तरफ भी देखिए, यहां एसिडिक स्ट्रेंथ कमेंट करना है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक है, बस सिंपल सा हम डिस्कस कर रहे हैं। और ऊपर से नीचे आने पर यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखते, यहां क्या देखते हैं? साइज ऑफ एनायन, साइज साइज बढ़ रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। तो कुल मिला के लेफ्ट टू राइट जाने पे भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी और टॉप टू बॉटम आने पे भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, समझ में आया? तो बताइए इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? एच आई स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हाइड्राइड के केस में, यानी केवल हाइड्रोजन और एटम के केस में, इससे स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी नहीं है। तो ये बात हमारे लिए तय हो गई कि ऊपर से नीचे जाने पे भी बढ़ रही है और लेफ्ट टू राइट जाने पे भी बढ़ रही है।
समझ में आ गई बात? तो जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही क्या होता है, वीक होता है। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? एच आई। सबसे वीक बेस कौन है? आई माइनस। पक्का? तो ये आपके लिए बहुत इजी है, आप आराम से समझ सकते हैं इन चारों एग्जांपल से। लिख लीजिए।